व्यंजन वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की मदद ली जाती है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं, या व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, जैसे क, ख, ग, च, छ इत्यादि। क का जब भी हम उच्चारण करेंगे तब हमें अ वर्ण की मदद लेनी पड़ेगी। उच्चारण अगर हम करेंगे जैसे कहेंगे क, क के अंत में हमें अ वर्ण सुनाई पड़ेगा, इसे ही कहते हैं हम व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता है। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्णों के वर्गीकरण के तीन प्रमुख आधार है, उच्चारण के स्थान के आधार पर, स्वर तंत्री में श्वास के कंपन के आधार पर, उच्चारण करते समय श्वास की मात्रा के आधार पर। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण के स्थान के आधार पर। उच्चारण के स्थान के आधार पर व्यंजन वर्ण के तीन भेद हैं, स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले हम लोग स्पर्श व्यंजन को समझेंगे। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का अर्थ होता है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा होठ का स्पर्श करती है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। कवर्ग से लेकर पवर्ग तक के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कवर्ग किसे कहेंगे? क, ख, ग, घ, ङ, यही तो कवर्ग है। कवर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं उसे हम कवर्ग कहते हैं। चवर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं उसे हम चवर्ग कहते हैं। टवर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं उसे हम टवर्ग कहते हैं। पवर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं उसे हम पवर्ग कहते हैं। कवर्ग का जो उच्चारण स्थान है या कवर्ग के जो भी वर्ण है वे जब बोले जाते हैं तो वे सभी वर्ण कंठ का स्पर्श करते हैं। चवर्ग का जब उच्चारण होता है तो तालु का स्पर्श करते हैं। टवर्ग का जब उच्चारण होता है तो वे सभी मूर्धा का स्पर्श करते हैं। तवर्ग का जब उच्चारण होता है तो दांतों का स्पर्श करते हैं, और पवर्ग का जब उच्चारण होता है होठों का स्पर्श करते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंत का अर्थ होता है भीतर। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन चार हैं, अंतस्थ व्यंजन चार हैं, य, र, ल, व, ये सभी अंतस्थ व्यंजन हैं। अब हम लोग ऊष्म व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराए और सांसों में गर्मी पैदा कर दे उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन चार हैं, तालव्य श, मूर्धन स, दंत स और ह, ये सभी ऊष्म व्यंजन हैं।